हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। छोटे बच्चे को गर्मियों में होने वाले लाल दाने यानी घमोरिया या फिर हीट रैशेस जब हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पर बच्चे की मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर उस टाइम पे बच्चे को नहलाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए नहलाना, और कैसे बहुत जल्दी इसे घरेलू उपचार से हम ठीक कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। बच्चे को घमोरिया या हीट रैश होना ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं होती। इसे आप घर पर ही एक दो दिन में घरेलू उपचार से ही ठीक कर सकते हैं। ये जनरली चेस्ट पे, बैक पे या कान के पीछे वाले एरिया पे, फेस पे, डायपर एरिया पे ज़्यादा होता है। तो उस केस में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें करनी है जिससे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बच्चे को हीट रैश हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो आप बच्चे को उस टाइम पर कॉटन के कपड़े पहनाइए, खुला रखिए बच्चे को, और जो उसके साइज़ के कपड़े हैं उससे एक नंबर बड़े कपड़े पहनाइए। यानी थोड़े लूज़ कपड़े जब हम बच्चे को पहनाते हैं तो हवा अच्छे से पास हो जाती है और बच्चा कम्फर्टेबल फील करता है। जितना हो उस एरिया को एयर के कॉन्टैक्ट में रखिए। एयर के कॉन्टैक्ट में आने पर ये हीट रैशेस बहुत जल्दी ठीक होने लगते हैं अपने आप। और आप उस एरिया पे बर्फ़ से थोड़ी सी सिकाई कर सकते हैं। कपड़े पे बर्फ़ का एक टुकड़ा रखिए, उस टुकड़े को हटा दीजिए। जब कपड़ा काफ़ी ठंडा हो जाए तो उसे इस हीट रैश पे लगाइए। इससे बहुत ही जल्दी बच्चा रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट है, आप एलोवेरा जेल, जो नेचुरल एलोवेरा के पेड़ से निकलता है, उसे बच्चे के उस एरिया पे लगाइए। इससे भी बहुत जल्दी हीट रैशेस ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट है, मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट लगाइए। मुल्तानी मिट्टी आपको मार्केट में मिल जाएगी बहुत ईजीली किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर। उसे लगभग आधा घंटे तक भीगा रहने दीजिए। फिर जहाँ पर हीट रैश हुआ है उस एरिया में उसे अप्लाई कर दीजिए और 10 मिनट के बाद उसे अच्छे से धो दीजिए। फिर आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी ये हीट रैश को ठीक कर देगी। नेक्स्ट है, उस एरिया को ड्राई रखिए, उसे एयर के कॉन्टैक्ट में आने दीजिए। और आप उस एरिया पे पाउडर भी लगा सकते हैं। जनरली बच्चे को पाउडर लगाना अवॉइड करते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा हीट रैश हो रहे हैं तो आप उस एरिया पे पाउडर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, जब बच्चे को हीट रैश हो रहा है तो कोशिश करिए कि बच्चे को ज़्यादा पसीना ना आए, इसलिए उसे एसी या कूलर में रखिए, जिससे बच्चे बहुत ही जल्दी रिलैक्स हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हीट रैश होने के केस में बच्चे को नहलाना है या उसकी मालिश करनी है या नहीं करनी है। तो आप बच्चे की मालिश आराम से कर सकते हैं, पर जिस एरिया में हीट रैश हुआ है उस एरिया को आपको अवॉइड करना है। यानी बच्चे की बैक पर हीट रैश हुआ है तो उस टाइम पर बच्चे की बैक की मालिश अवॉइड करिए। और आप बच्चे को आराम से नहला सकते हैं, उसे किसी भी तरह का कोई अनकंफर्ट नहीं होगा जब आप हीट रैश के केस में भी बच्चे को नहलाते हैं। तो इससे बच्चे को बहुत ही रिलैक्स लगेगा क्योंकि उस समय उस एरिया में उसे ठंडक मिलेगी। बस उस एरिया में साबुन लगाना अवॉइड करिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।